हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और सभी एमटी मिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज किस वीडियो में बात करने वाले यूट्यूब के दो नए अपडेट्स के बारे में। इनसे व्यूअर्स और क्रिएटर दोनों को फायदा होने वाला है, तो इस छोटे से वीडियो हम जान लेंगे क्या है वो दो नए अपडेट्स। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरी बात। दोस्तों, जो पहला अपडेट है ये है वीडियो रिव्यू, या जो क्रिएटर हमें मालूम होगा कि जो हमारे वीडियोस पुराने हो जाते हैं उन्हें सजेस्टेड में या फिर ब्राउज फीचर में लाना बंद कर दिया जाता है, इसीलिए उस पर व्यूज भी कम आते हैं। इससे ऐसा इसलिए होता है यार, क्योंकि एक दिन में किसी एक टॉपिक पे लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, तो यूट्यूब कितने वीडियो को ब्राउज फीचर या फिर सजेस्टेड में लाएगा, इसीलिए वो नए सिर्फ वीडियो को ब्राउज फीचर या सजेस्टेड में लाता है, इसीलिए पुराने वीडियो पर व्यूज भी कम आते हैं, व्यूज जाने रुक जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों ये नया अपडेट आया है, इससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है कि हमारे पुराने वीडियोज पर भी व्यूज आए। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो कुछ भी हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है उसमें से किसी एक वीडियो का रिव्यू लिया जाता है, या दोस्तों किसी एक वीडियो का रिव्यू ले लेता है यूट्यूब खोल लेता है, और उसमें ऑप्शन कई सारे होते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप में वहाँ रेटिंग अच्छी खासी आपको मिल जाती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगले हफ्ते आपकी वीडियो सजेस्टेड या फिर ब्राउज फीचर में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, और इससे आपके पुराने वीडियो पर भी व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो ये अपडेट है ये सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन के लिए है, या फिर आप क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप व्यू में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट है यहाँ पर स्वाइप नेक्स्ट वाला ऑप्शन। यूट्यूब में आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलेगा कि आप सिर्फ स्वाइप करेंगे आपकी वीडियो नेक्स्ट हो जाएगी, जो भी सजेस्टेड नीचे वीडियो होंगी बैक टू बैक वही दिखाई जाएंगी नेक्स्ट आप जब भी करेंगे, या फिर आप किसी प्लेलिस्ट में है तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट में आ जाएगी, सिर्फ आपको स्वाइप करना पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो बैक भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वाइप कर। दोस्तों, यहाँ बहुत लोगों को दिक्कत है कि अगर आप स्वाइप करते हैं तो क्या हमारे वीडियो पर एड आएगी जब कोई स्वाइप करके हमारे वीडियो को देखेगा, या दोस्तों ये क्वेश्चन बनता भी है कि हमारे स्वाइप अगर कोई स्वाइप करता है तो क्या हमारे वीडियो पे एड दिखाया जाएगा या फिर नहीं दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको नॉन स्किपेबल स्किपेबल जो भी एड आती हैं सब कुछ आपको दिखाए जाएंगे। यदि कोई स्वाइप कर भी आपकी वीडियो को देखता है तो सेम सिस्टम सब चीज़ वही रहेगा यार, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, आपके एड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ स्वाइप कर बंदा अपने वीडियो को नेक्स्ट कर सकता है या फिर बैक कर सकता है। तो दोस्तों, ये अभी अपडेट सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ iOS के लिए है, OBS 6S के ऊपर के लिए है। अभी जल्दी एंड्रॉयड आईफोन के लिए सबके लिए लॉन्च कर देगा ये, यूट्यूब ने कहा है कि मैं जल्दी सबके लिए लॉन्च कर दूंगा, अभी टेस्टिंग में है, iOS में ये आ चुका है और अभी एंड्रॉयड में भी जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो नए अपडेट्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलेगा, और कोई भी सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।